हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष सत्र में, जिसमें हम मुकुंद माला स्त्रोत पुस्तक पर चर्चा करेंगे। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि मुकुंद माला स्त्रोत पे हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने इस पुस्तक पर टीका भी लिखी और इस पुस्तक को उन्होंने BBT के द्वारा पब्लिश भी कराया। और शुरुआत में ही हम ये समझ लें कि मेरी बहुत लिमिटेशन है और मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं इस पुस्तक पे कुछ चर्चा करूं, लेकिन श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस पुस्तक में ऐसा क्या था कि ये प्रभुपाद की बहुत प्रिय पुस्तकों में से एक रही। तो हमने भगवद गीता में पढ़ा है कि मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, यततम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। तो बहुत सारे मनुष्यों में, सहस्रों मनुष्यों में कोई एक होता है जो सिद्धि को प्राप्त करता है और उन सिद्धि प्राप्त व्यक्तियों में कोई बिरला ही होता है जो कि तत्व के रूप में भगवान को समझ पाता है। तो श्रील प्रभुपाद हमें तत्व के रूप में भगवान को समझाना चाहते हैं और इसीलिए मुकुंद माला स्त्रोत पर श्रील प्रभुपाद ने टीका लिखना कब आरंभ कर दी थी। 1950 में उन्होंने टीका लिखना आरंभ कर दी थी जब वो अमेरिका भी नहीं गए थे। इनफैक्ट जब उन्होंने भागवतम लिखना आरंभ नहीं किया था तब उन्होंने मुकुंद माला स्त्रोत पर टीका लिखना आरंभ कर दी थी और पहले 5 जो श्लोक है उन पर टीका लिख भी दी थी और उसके बाद वो कार्य रुक गया क्योंकि उन्हें भागवतम के लिए प्रयास करना था। और फिर उसके बाद जैसा हम सब जानते हैं कि 1966 फिर इस्कॉन बन गया, प्रभुपाद बहुत बिजी हो गए तो वो कार्य 5 श्लोकों तक ही अधूरा रह गया। और उस पुस्तक का आधार क्या था? ऐसा नहीं कि प्रभुपाद पहले गौड़ वैष्णव संत थे जो मुकुंदमाला स्त्रोत पर चर्चा करना चाह रहे थे। 1895 में भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने एक पुस्तक छापी थी जिसमें मुकुंदमाला स्त्रोत के सारे श्लोक थे और उन्हीं को आधार बना के श्रील प्रभुपाद ने मुकुंदमाला स्त्रोत पर पुस्तक लिखना 1950 में आरंभ किया था। लेकिन पहले 5-6 श्लोकों पर टीका लिखने के बाद प्रभुपाद को समय नहीं मिला और वो समय अभाव के कारण वो बात वहीं पर रह गई। बाद में श्रील सत्स्वरूप महाराज, जिन्होंने प्रभुपाद लीला अमृत जैसी सुंदर ग्रंथ हमें दिया है और बैक टू गॉडेड मैगजीन का इतने साल तक संचालन किया है और प्रभुपाद के सबसे वरिष्ठ सेवकों में से एक रहे, और प्रभुपाद के संस्कृत एडिटर गोपी प्राणधन प्रभु, इन्होंने मिलके फिर बाकी स्टैंजास पर श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य में और उनके भाव को लेकर टीका लिखी। तो इस प्रकार से हमारे हाथ में जो पुस्तक है उसमें पहले 6 श्लोकों की टीका स्वयं श्रील प्रभुपाद की है और उसके आगे के श्लोकों की टीका श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के माध्यम से लिखी। अब ये पुस्तक की रचना कैसे हुई है? हमने ये तो जान लिया कि हमारे हाथ में जो पुस्तक है उसकी रचना कैसे हुई, लेकिन ये पुस्तक के जो स्टैंजास हैं, जो श्लोक हैं, वो कहाँ से आए? तो वो एक महान भगवान के भक्त हुए हैं राजा कुलशेखर, उन्होंने इन उद्गारों को लिपिबद्ध किया है। तो ये कौन है कुलशेखर? तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो एक महाजन है, जैसे बाकी सब महाजन हैं, हमारे रोल मॉडल्स हैं, ऐसे ही कुलशेखर महाराज भी हमारे महाजन हैं। तो अलग अलग संप्रदाय हम सब जानते हैं वैष्णव संप्रदायों के बारे में, उसमें से एक बोनाफाइड प्रामाणिक संप्रदाय है श्री संप्रदाय, और श्री संप्रदाय में कुलशेखर महाराज आते हैं। तो ये बहुत ही पुराना वैष्णव संप्रदाय है जिनको स्वयं श्री अर्थात लक्ष्मी जी ने स्थापित किया है। और अगर हम आज भी देखें तो श्री संप्रदाय बहुत ही प्योर संप्रदाय है और उनके फॉलोअर्स बड़े स्ट्रिक्टली अपनी सारी चीज़ों को मानते हैं और करते आ रहे हैं इतने सालों से। और उनके यहाँ ये माना गया कि साउथ इंडिया में 108 बहुत पवित्र स्थान है भगवान के, उनको कहा जाता है दिव्य देशम, और ये दिव्य देशम अलग अलग 108 मंदिर हैं। और इन मंदिरों के बारे में महान
कवि हुए जो भक्त भी थे साउथ इंडिया में, उन्होंने इन पे बहुत सारी बहुत सुंदर कविताएं लिखी, बहुत सुंदर उन्होंने श्लोक लिखे हैं, तमिल में भी लिखे हैं और संस्कृत में भी लिखे हैं। इनको कहा जाता है अलवार। अलवार कौन है? ये महान भगवान के भक्त है। तो बहुत सारे अलवार हुए, लेकिन 12 या द्वादश अलवार माने जाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है। और इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें से एक पुस्तक का नाम नालियेर दिव्य प्रबंधम, ये पढ़ी जाती है आज भी मंदिरों में साउथ इंडिया में, जिसमें भगवान की बहुत अच्छे से स्तुति की गई है। तो ये अलवार कौन होते हैं? अलवार वो होते हैं जैसे हमारे यहाँ गुरु होते हैं वैसे होते हैं। तो अलवार का अर्थ क्या होता है? जो शासन कर सके, जो अपने ऊपर शासन कर सके, जो अपने शिष्यों के ऊपर शासन कर चुके। और अलवार का एक और अर्थ होता है जो भाव में पूरी तरीके से निमग्न हो, डूबा हुआ। तो ऐसे 12 जो महान अलवार हुए अलग अलग जगह से आए। इनमें से कुछ अलवार जो आए वो उनका जन्म किसी मनुष्य से नहीं हुआ, वो स्वयंभू आए, जैसे कि पोइगई अलवार, भूतनाथ अलवार और पहल अलवार पांडाल। ये जो थे ये मिरेक्युलसली इनका जन्म हुआ था, इनको किसी ने जन्म नहीं दिया था। लेकिन इसके बाद जो अलवार आए वो किसी न किसी के पुत्र थे, जैसे कि तिरुमसली अलवार जो थे वो भार्गव ऋषि के पुत्र थे, और थोंडरपोडी अलवार मथुरा कवि अलवार, और पैरी अलवार जो है ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है कुलशेखर अलवार, जो कि क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। तो वो राजा थे इसीलिए उनको कहते हैं राजा कुलशेखर। तो राजा होके भी वो ऋषि जैसे थे, जैसे राज ऋषि होते हैं। तो नम्मा अलवार जो है ये एक किसान के परिवार में जन्म दिया था इन्होंने। और एक तिरुमंगई अलवार थे जो कि क्षत्रिय परिवार में कम्युनिटी में जन्मे थे। तो इस प्रकार से कोई क्षत्रिय था, कोई ब्राह्मण था, कोई राजा था, और बाकी जो थे वो ब्राह्मण थे। तो अलग-अलग परिवार से ये सब अलवार आए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 10 ही अलवारों को मानते हैं, कुछ कहते हैं हम 12 को मानते हैं, लेकिन ये सब के सब जो 12 अलवार हैं ये महान हैं, और इनकी जो उन्होंने भगवान की स्तुति की है वो हमें पढ़ना चाहिए और उनके भाव को समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो अब ये जो कुलशेखर अलवार थे इन्होंने अपने जीवन काल में दो महान पुस्तकों की रचना की। एक तो पुस्तक थी पेरुमाल तिरुमोली, जो कि एक प्रकार की तमिल भाषा होती है उसमें लिखी गई, और दूसरी थी मुकुंदमाला स्त्रोत, जो कि हमारे हाथ में है, जो कि संस्कृत में लिखी गई। तो ये राजा कुलशेखर जो है ये वैष्णव ट्रेडिशन के बहुत महान संत हो गए। लेकिन है थे कहाँ के राजा? वो चेरा किंगडम के, केरल के, आज का जो प्रेजेंट केरल है वहां पे राज करते थे। और वहां के राजा होते हुए इतना भाव उनके अंदर कैसे आ गया, कैसे उनका जीवन इतना महान हो गया, इसको भी हमको समझना चाहिए। तो वो अपना राजपाट का राजधर्म निभा रहे थे और राजधर्म निभाते हुए बहुत अच्छे से अपना सब कार्य कर रहे थे। लेकिन एक बार ऐसा होता है, जैसे महान राजा होते हैं तो उनको सुबह उठाने के लिए म्यूजिशियंस आते हैं और उनके जो मंत्री हैं वो आते हैं ताकि राजा का सुबह की जो शुरुआत हो वो बहुत अच्छी हो प्रातःकालीन। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो काफी देर ये सोचते रहे कि कमरे से कुछ आवाज नहीं आ रही है, क्या करें, कमरा खटखटाएं, खोलें, डिस्टर्ब करें कि उनको सोने दें। उन्हें लगा कि वो आराम कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वो आराम नहीं कर रहे थे। उनको एकदम से भगवान श्री कृष्ण के बहुत दिव्य दर्शन हो रहे थे अंदर, और वो उसी भाव में थे। जब बहुत देर हो गई तो फिर उन्होंने परमिशन के बिना सोचा कि अंदर देखें, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। और देखा तो ये बिल्कुल भाव में थे कि भगवान श्री कृष्ण के अभी अभी मुझे दर्शन हुए। तो इस प्रकार से ये विष्णु या कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे। लेकिन इनका जो मेन अट्रैक्शन था वो राम के प्रति था, रामायण के प्रति था, क्योंकि रामायण उनको बहुत अट्रैक्ट करती थी। अब रामायण जब उनको अट्रैक्ट करती थी तो रामायण उनके सामने गाई जाती थी, सुनाई जाती थी।
रामायण जब उनके सामने गाई जाती थी तो ऐसे भाव में आ जाते थे कभी कभी, कि वो ये नहीं सोचते थे कि कोई मुझे रामायण सुना रहा है, उनको ये लगता था कि मैं ही रामायण जी रहा हूँ, मेरे साथ ही ये सब घटनाएं हो रही हैं। तो जब वो ऐसा कुछ सुनते थे कि खरदूषण ने अटैक कर दिया है और रामचंद्र जी अकेले हैं, तो उनको ये भाव आ जाता है कि अरे मेरे राम अकेले, ये तो बड़ा गड़बड़ है, मुझे सहायता करनी चाहिए। तो वो अपने तलवार वलवार निकाल के चालू हो जाते हैं कि चलो चलो खरदूषण से लड़ने के लिए चलो। तो मंत्री लोग कहते हैं कि अगर ये राजा ऐसा रहेगा तो कैसे राज करेगा, ये हमेशा ही डिस्टर्ब रहता है, हमेशा इसी भाव में रहता है। तो वो एक योजना बना के उधर से एक सैनिक को भेजते हैं जो इनको रास्ते में मिलता है, और कहता है कि नहीं नहीं वो राम लक्ष्मण ने खरदूषण का सबका वध कर दिया है और कोई चिंता की बात नहीं है, तो भगवान जीत गए। तो बोले अच्छा ठीक है चलो, तो वो वापस आ जाते हैं। तो फिर वहां पे बैन लगा दिया जाता है कि उनके राजमहल में रामायण से कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं गाया जाएगा जिसमें कि लड़ाई हो या जिसमें ऐसा हो कि कुलशेखर महाराज को लगे कि मुझे जाके उनकी सहायता करनी चाहिए। तो जो हमेशा उनको रामायण सुनाते थे वो इसका हमेशा ध्यान रखते थे। एक बार किसी कारण से वो नहीं आए तो उन्होंने अपने लड़के को भेज दिया कि जाओ आज तुम रामायण पढ़ दो, मुझे कुछ काम है। तो उनका लड़का जब पहुंचा वहां पे रामायण पढ़ने, तो उसको पता नहीं था, उसने शुरू से रामायण पढ़ना चालू की और वो प्रसंग आ गया कि रावण जो है सीता माता का हरण करके ले गया। अब जब इन्होंने सुना कि रावण जो है सीता माता का हरण कर गया, और ये तो केरल में राज कर रहे थे, उन्होंने बोला यहाँ से थोड़ी दूर है लंका, पास में ही है, बोले चलो सारे से, अब राजा बोल रहा है कि चलो सैनिकों सब मेरे पीछे आ जाओ, हमको रामचंद्र जी की तरफ से रावण से लड़ने के लिए चलना है। अब ये पूरी सेना जो है समुद्र के किनारे एकत्र हो गई, और समुद्र के किनारे जब एकत्र हो गई तो समुद्र के किनारे वो जाने लगे, आगे जाने लगे, और सारे सैनिकों का भी कोई वो नहीं था, वो भी समुद्र में अंदर घुसने लगे। सबको लगा कि आज तो ये राजा समुद्र में डूब के मरने ही वाले हैं। लेकिन इतने में उधर से रामचंद्र जी स्वयं सीता माता और लक्ष्मण के साथ में आए समुद्र के बीच में से, बोले कि नहीं लड़ाई वड़ाई हो गई है, रावण मारा गया है, देखो सीता तुम्हारी माता जो है वो आ गई है और हम जीत गए हैं युद्ध। तो फिर उन्होंने कुलशेखर नलवार ने सबको प्रणाम किया और बोला कि चलो चलो रामचंद्र जी की जय, रामचंद्र जी जीत गए, रामचंद्र जी जीत गए, ऐसे करके वो वापस आ गए। तो भगवान ने स्वयं ही उनको दर्शन दे दिए। तो इतने महान ये कुलशेखर महाराज हैं, इनके बारे में क्यों जानना आवश्यक है, कोई भी पुस्तक पढ़े तो उनके जो ऑथर है उनके बारे में जानना चाहिए, उनका भाव क्या है वो समझना चाहिए, वो कितने महान है। क्यों प्रभुपाद बार बार इनके श्लोक की बात करते हैं, कुछ तो श्लोक इतने प्रिय हैं प्रभुपाद की कि कई बार वो रूम कन्वर्सेशन में और जब भी कोई बात होती है तो ये श्लोक वो लेकर आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये सब हो रहा था, जब कुलशेखर महाराज अटैक करने के लिए लंका पे जा रहे थे, तो ऊपर सारे देवता लोग आ गए थे देखने के लिए कि अब क्या होगा अब क्या होगा। तो ये जिनको देखने देवता आते हैं, जिनको दर्शन स्वयं भगवान देते हैं, अगर वो कुछ अपने भाव को प्रकट करने के लिए लिखते हैं तो वो कैसा लिखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो कुलशेखर महाराज कितने महान थे, इतने महान थे कि उनके पूरे राज महल में जो वैष्णव आ जाए तो उसका सबसे बड़ा सम्मान होगा। अब वहां पे द्वेषी जन भी थे, उनको लगता था कुलशेखर हमेशा ये वैष्णवों का सम्मान क्यों करते रहते हैं, ये वैष्णवों की बात क्यों करते रहते हैं, वैष्णवों की बात क्यों मानते रहते हैं। तो एक बार उन्होंने, थोड़ा अलग अलग वर्जन आता है इस बात का, लेकिन मेन बात ये थी कि एक ऑर्नामेंट जो है वो चोरी हो जाता है, और वो चोरी हो जाता है और उसका जो आरोप लगता है वो जो वैष्णव उस समय आए हुए हैं उनके राजमहल में उन पे लग जाता है। कुलशेखर महाराज जब ये सुनते हैं कि अच्छा राजमंत्री ये बोल रहे हैं कि ये इन्होंने चोरी किया है, ये जो भगवान के भक्त हैं, बोले तुम जानते नहीं भगवान को, भगवान के भक्त कितने प्रिय होते हैं, ऐसे द्वेष उनसे नहीं रखना चाहिए। और वो बोलते हैं कि एक काला जो नाग है कोबरा है वो जहरीला, उसको लेकर आओ, एक ग्लास के उसमें लाया जाता है उसको कंटेनर में, बोले इसको यहाँ रखो। और कुलशेखर महाराज अपना हाथ जो है वो उसके अंदर डाल देते हैं कि अगर वैष्णवों ने चोरी की होगी तो ये नाग मुझे अभी डस लेगा और मैं यहीं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा।
और अगर वैष्णवों ने चोरी नहीं की है तो मैं अपना हाथ अंदर डालूंगा और नाग मुझे कुछ नहीं करेगा। और ये उनका कॉन्फिडेंस था भक्तों के ऊपर कि वो हाथ अपना अंदर डाल देते हैं और वो काला नाग कुछ नहीं करता उनका, वो हाथ बाहर निकालते हैं, बोले कि ये देखो वैष्णवों ने हार नहीं चुराया, बाद में वो हार मिल भी जाता है। लेकिन जब ये सब होता है तो कुलशेखर महाराज डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको लगता है कि शायद मेरी भक्ति से ये सब लोग प्रसन्न नहीं है, तो वो फिर अपने लड़के को उत्तराधिकारी बना देते हैं और स्वयं जो है वो भगवान की भक्ति के लिए, रंगनाथ जी की भक्ति के लिए चले जाते हैं। तो ये कुलशेखर जो है, कुल के शेखर हैं वो, कुल जो है पूरा चेरा किंगडम है उसके शेखर हैं वो, सबसे ऊपर सबसे उच्च कोटि के भक्त हैं। आज भी हम वहां के कितने और राजा हुए होंगे उनके पहले और उनके बाद में किसी को नहीं जानते, लेकिन हम किन को जानते हैं, कुलशेखर महाराज को जानते हैं। और हम कैसे कुलशेखर महाराज को जानते हैं, ये भी प्रभुपाद की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है जिसके कारण हम कुलशेखर महाराज को जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत में इतनी सुंदर पोयम उन्होंने लिखी है और हम कितने भाग्यशाली हैं कि मुकुंदमाला स्तोत्र जैसा महान ग्रंथ अब हमारी हाथ में है और प्रभुपाद की कृपा से हम उसको पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो क्यों पढ़ना है हमको, तो प्रभुपाद ही तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं और भगवान के परिकर, इनकी जब जब गुणगान किया जाता है तो शुरुआत में हम सबको, क्योंकि हम इस भव बंधन में हैं और इस भव सागर में है और हमारा अटैचमेंट माया से ज्यादा है, इसलिए हमको कोई भी ऐसी बात सुनने में ध्यान नहीं लगता है, हमको वो बातें कड़वी लगती है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी को कभी अगर पीलिया हो जाए तो उसका मुंह का स्वाद समाप्त हो जाता है, लेकिन पीलिया का इलाज क्या दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, कि आप शुगर खाओ, शुगर लो, क्योंकि आप शुगर लोगे तो धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट जाएंगे और आपका पीलिया ठीक होगा। शुरुआत में शुगर भी फीकी या कड़वी लगती है, वो औषधि जो दी जाती है वो भी कड़वी लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब जीभ के ऊपर कई परत हटती है तो हमको सच में शुगर का स्वाद समझ में आता है। ऐसे ही भगवान का नाम लेना मुश्किल लगता है, डिफिकल्ट लगता है, लगता है कि क्यों लें, कैसे लें, क्या करें, लें कि नहीं लें, मन तो नहीं लग रहा है, लेकिन हमें लेना चाहिए। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता, लेकिन हमें सुनते रहना चाहिए। जैसे शुगर खाते खाते एक दिन पीलिया ठीक हो जाएगा, ऐसे ही भगवान के बारे में सुनते सुनते एक समय आएगा जब भगवान से हमारी रुचि भी बन जाएगी। तो ये पुस्तक क्या है, मुकुंद माला स्त्रोत, इसमें तीन शब्द हैं, मुकुंद माला और स्त्रोत। माला क्या होती है, माला होती गार्लैंड जो गले में फूल की पहनी जाती है। तो ये पूरी मुकुंद माला स्त्रोत इस तरीके से कुलशेखर महाराज ने लिखी कि इसके अंदर उन्होंने श्लोकों की रचना की, ऐसा समझिए कि हर श्लोक क्या है, एक फूल है, एक गार्लैंड है, और वो गार्लैंड क्या कर रहा है, वो गार्लैंड गले में भगवान के पहनाने के लिए एक माला के रूप में जुड़ रहा है। तो ये 53 जो इसके अंदर श्लोक हैं, तो उनको ऐसा समझना चाहिए कि 53 श्लोक में से आधे श्लोक एक तरफ है, आधे श्लोक एक तरफ है, और एक श्लोक जो है वो बीच में है। तो ऐसे ये बहुत सुंदर 53 फूलों से एक माला बनी है जिसको कहते हैं मुकुंद माला स्त्रोत। मुकुंद क्या है, मुकुंद भगवान का नाम है। भगवान को मुकुंद क्यों कहा जाता है, बहुत ही समझने वाली बात है। हम सब ने मुकुंद नाम सुना है भगवान का, लेकिन हम में से कितनों ने ये ध्यान दिया कि भगवान को मुकुंद क्यों कहते हैं। तो भगवान को मुकुंद नॉर्मली अगर हम समझेंगे तो क्यों कहते हैं, जो मुक्ति प्रदाता है वो मुकुंद है। तो मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णुर एव स न संशय। तो हरिवंश पुराण में कहा गया कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु एव न संशय। तो विष्णु जो है वो मुक्ति प्रदाता है, इसमें कोई संशय नहीं है हरिवंश पुराण के आधार पर। तो इसलिए भगवान का एक बहुत प्रसिद्ध नाम है मुकुंद, मुकुंद मुरारी हम कहते हैं, मुकुंद। भगवान कहते हैं कि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्री निशेवयः। तो ये प्रभुपाद का बहुत फेमस फ्रेज था जिसको बार बार मॉर्निंग वॉक में कई बार आप सुनोगे कि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम,
भगवान ये प्रॉमिस करते हैं कि ये दुरंत पारम है, डिफिकल्ट है इसको पार करना, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं मुकुंद के चरणों का जब आश्रय ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ये जो इनसरमाउंटेबल ओशन है ये कैसा हो जाएगा, ये छोटा सा हो जाएगा। जैसे भागवतम के अंदर एक श्लोक में बताया गया कि ये पूरा जो भव सागर है वो इतना बड़ा है कि हम उसको पार नहीं पा सकते, लेकिन जब भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हैं, भक्तों का आश्रय ले लेते हैं, गुरु महाराज का आश्रय ले लेते हैं, तो वो इतना छोटा सा हो जाता है जैसे कोई बछड़े के खुर से बना हुए निशान में जो थोड़ा सा पानी होता है, उसको पार करने के लिए किसी को सोचना भी नहीं पड़ता है। पूरा भव सागर कैसा हो जाता है, ऐसा ही हो जाता है। तो इस बड़े से बॉटमलेस श्योरलेस भव सागर को कैसे एक छोटे से काफू प्रिंट के बराबर साइज का बना दिया जाता है, कौन करता है ये कार्य, मुकुंद करते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम मुकुंद है। तो मुकुंद मतलब मुक्ति प्रदाता, किसकी मुक्ति, सर्वेशां, सबकी मुक्ति। भगवान ने कभी ये कंडीशन नहीं डाली कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति को मैं कभी मुक्त नहीं करूंगा क्योंकि ये पर्टिकुलर लीनियज में आता है या इसकी पर्टिकुलर जन्म इस कुल में हुआ है। भगवान ने क्या कहा, सर्वेशां, सबकी मुक्ति जो है वो भगवान करेंगे, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भगवान के इस आधार पे चलना पड़ेगा। लेकिन मुकुंद का एक और बहुत ही डीपर मीनिंग है जिसको तो बहुत ही कम लोग जानते हैं, और उसको समझिए अब, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद श्रीमद भागवतम के दशम स्कंध की कमेंट्री में लिखते हैं 52nd चैप्टर में, और वो क्या कहते हैं कि मुकुंद का अर्थ क्या होता है। बोले मुकुंद का एक अर्थ हो गया मुक्ति प्रदाता, लेकिन मुकुंद का एक बहुत ही रसिक अर्थ भी है। मुकुंद कौन है, जिनका मुख जो है जब वो स्माइल करते हैं, जब वो हंसते हैं, तो वो कैसा होता है, कुंदवत हो जाता है। कुंदवत क्या होता है, जैसे छोटे छोटे जैस्मिन के फ्लावर्स हों, ऐसे भगवान के दांत हैं, तो जब भगवान हंसते हैं तो उनके वो छोटे 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 सफेद बहुत अच्छे सुंदर से दांत जो बिल्कुल वेल अरेंज्ड हैं, जिसको हम कहें परफेक्ट स्माइल, तो वो उनको कोई स्माइल डिजाइन नहीं करानी पड़ती, उनकी स्माइल परफेक्ट है। तो ऐसे परफेक्ट स्माइल वाले जो भगवान है उनका नाम है मुकुंद, मतलब जब वो हंसते हैं तो कुंदवत, कुंद के फूलों के जैसे उनके दांत दिखाई देते हैं, इसलिए उनको कहते हैं मुकुंद। तो ये ब्यूटीफुल उनके वाइट टीथ कुंद फ्लावर जैसे दिखते हैं, और इसलिए उनका नाम है मुकुंद। मुकुंद का गहरा मीनिंग क्या हो गया, उनकी स्माइल, और मुकुंद का दूसरा अर्थ क्या हो गया, जो मुक्ति प्रदाता है। तो मुकुंद माला स्त्रोत, मुकुंद हमने समझ लिया, माला हमने समझ लिया, अब ये स्त्रोत क्या होता है, तो स्त्रोत स्तव ये क्या होते हैं, ये जब भी संस्कृत में कोई एक पर्टिकुलर पोएटिक मीटर को लेके भगवान की स्तुति की जाती है, उनकी ग्लोरिफिकेशन किया जाता है, तो उसको कहते हैं स्तव या स्त्रोत। तो क्या किया जा रहा है, भगवान की प्रेयर की जा रही, भगवान के बारे में अच्छा अच्छा बोला जा रहा है, भगवान को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो भगवान विष्णु, क्योंकि मुकुंद माला स्त्रोत कुलशेखर महाराज ने लिखा और वो श्री वैष्णव संप्रदाय के हैं, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि श्री वैष्णव संप्रदाय में नॉर्मली विष्णु जो है वो प्रोमिनेंट वर्शिपेबल डीटी हैं, और लक्ष्मी नारायण के रूप में उनकी पूजा होती है, या फिर रामचंद्र जी और सीता माता को वो मेनली मानते हैं, हनुमान जी लक्ष्मण। लेकिन यहाँ पे मुकुंदमाला स्त्रोत में उनका जो मेडिटेशन है वो भगवान श्री कृष्ण पे है, लेकिन बहुत सारी जगह श्लोकों में हम देखेंगे और चर्चा भी करेंगे कि विष्णु के आस्पेक्ट को भी वो बताते हैं। तो हम सब जो इस जीवन में जी रहे हैं वो कैसे जी रहे हैं, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मन, तो बार बार हमारा मरण होता है, बार बार हमारा जन्म होता है, मरण होता है जन्म होता है, मरण होता है जन्म होता है, ये जो भाव सागर की साइकिल है चली जा रही है, इससे छूटने का तरीका क्या है, मुकुंद है। तो ये भव सागर की साइकिल से छूटने का तरीका सिखाने वाले कौन है, कुलशेखर महाराज, और वो देने वाले कौन है, मुकुंद है, इसलिए मुकुंद माला स्त्रोत। और ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट यही है, अगर आप इवन अब्राहमिक रिलीजन में देखो तो भगवान को एक नाम बोला जाता है, अल्लाह का एक नाम है मौला, मौला का अर्थ भी यही होता है जो मुक्ति प्रदाता है, जो मुक्ति देते हैं। तो भगवान से मुक्ति की याचना करना
तो सभी जगह किया जा रहा है। जैसे प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के लेक्चर में वृंदावन में बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि बोले मुकुंद चरणाम्बुजम, बोले जैसे आप बस एक कार्य करो, मुकुंद चरणाम्बुजम, मुकुंद के जो चरण है, जो चरण कमल है, बस उनका शेल्टर आप ले लो। जैसे ही आप मुकुंद के चरणों का शेल्टर ले लोगे, क्योंकि उनका नाम ही मुकुंद है, तो वो आपको स्विफ्ट डिलीवरर है, वो तुरंत यहाँ से आपको डिलीवर कर देंगे। बोले पूरा जो भगवद गीता का टीचिंग है उसका सार क्या है, बोले उसका सार यही है मुकुंद चरणाम्बुजम। और प्रभुपाद समझाते कैसे है, बोले भगवान ने क्या सार दिया भगवद गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुच। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब सब कुछ छोड़ के करना क्या है, माम एकाम शरणम व्रज, किसकी शरण लेना है, प्रभुपाद कहते हैं मुकुंद चरणाम्बुजम की शरण लेना है। तो वो मुकुंद की जब शरण ले ली तो आपने पूरी भगवद गीता समझ ली, और आपने पूरी भगवद गीता रट ली, आपको हर श्लोक आता है, लेकिन आपने अंत में मुकुंद की अगर शरण नहीं ली तो ये पूरा जो एफर्ट था वो क्या हो गया, फ्यूटाइल हो गया। क्योंकि सुप्रीम अचीवमेंट अगर जीवन का कुछ है तो वो एक ही है कि हम भगवान के चरणों की शरण ले लें। तो ये जो मुकुंद है, जो मुक्ति प्रदाता है, जो इतनी सुंदर उनकी स्माइल है, जिनके चरणों में अगर हम गिर जाए तो वो हमें मुक्ति दे देते हैं, ये मुकुंद कौन है, बोले ये मुकुंद भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए मुकुंद का एक नाम और है, उनको कहते हैं हरि। हरि का अर्थ क्या होता है, हरि जो आपके सारे संकटों को हर ले। अहम तुम सर्व पापेभ्यो, आपके सारे पापों को हर ले, वो कौन है, वो हरि है। तो किसकी शरण लेना है, मुकुंद की शरण लेना है। क्यों शरण लेना है, क्योंकि यहां तो हर कदम कदम पे विपदा है, पदम पदम यद विपदम, जैसे हमने 10th कैंटो भागवतम में समझा है कि हर कदम पे विपदा है। तो यहां तो अगर हम जिएंगे तो हम इस भव में सागर में फंसे रह जाएंगे, इसलिए क्या करना है, ये भवाम बुद्धि जो है, पूरा भव सागर है, समुद्र है, इससे अगर बाहर निकलना है तो हमको मुकुंद की शरण लेनी पड़ेगी। और इसी बात को समझाने के लिए कुलशेखर महाराज अब हमें बताते हैं कि श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगत निवासेति आलापिनम प्रतिदिनम कुरु मे मुकुंद। ये पहला श्लोक है मुकुंद माला स्त्रोत का। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगत निवासेति आलापिनम प्रतिदिनम कुरु मे मुकुंद। और बहुत सुंदर तरीके से वो आरंभ करते हैं अपनी स्तुति कि श्री वल्लभेति। श्री वल्लभेति का अर्थ क्या हुआ, वो जो भगवान श्री के वल्लभ है। श्री कौन है, श्री मतलब लक्ष्मी जी, तो श्री संप्रदाय के हैं, इसलिए वो सबसे पहले किसको आह्वान करते हैं, लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि आप श्री वल्लभ हो, श्री के वल्लभ हो, मतलब श्री अर्थात लक्ष्मी जी, वल्लभ मतलब बहुत प्रिय होना। बोले आप किसके प्रिय हो, बोले आप तो लक्ष्मी जी के प्रिय हो। वो श्री को, लक्ष्मी जी को सबसे पहले क्यों याद कर रहे हैं, वो इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि भगवान जो है वो भगवान थोड़े से जज की तरह रहते हैं। भगवान हमेशा कहते हैं कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजाम्यहम्। तो भगवान के पास अगर जाना है और भगवान के थ्रू अगर जा रहे हो तो बहुत नियम कायदे आ जाएंगे। जैसे अभी उन्होंने बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य, पहले सारे धर्म छोड़ो, फिर सोचना मेरे बारे में और फिर मैं सोचूंगा तुम्हारे बारे में। लेकिन लक्ष्मी जी कैसी है, उनका माता जैसा हृदय है, वो क्या करेंगी, अरे वो देती देती है, वो कभी कुछ बोलती नहीं है, सब देती रहती है। इसलिए श्री वल्लभ है थी, श्री के जो वल्लभ है, तो तुरंत उनका ध्यान क्या जाएगा, अरे मेरे श्री को कौन याद कर रहा है। बोले अच्छा ये भक्त जो है श्री को याद कर रहा है, मेरी जो प्रिय लक्ष्मी, मेरी सेविका, उनको याद कर रहा है, तो अपने आप भगवान का हमारे लिए अटैचमेंट हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान को उनके भक्त
संतों के थ्रू याद करना चाहिए। जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र में भी क्या करते हैं, हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार से हमको भगवान की सेवा में लगाओ। हम सीधे भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि हमारी उतनी योग्यता ही नहीं है, हमारा उतना अधिकार ही नहीं है। तो भगवान तो आराम से शेषनाग पे शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही है, तो वो उनको जब याद करते हैं हम श्री वल्लभेति, तो हम ये याद करते हैं कि उनके पास तो लक्ष्मी है, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड है। लेकिन लक्ष्मी जी क्योंकि वो दयालु है तो वो हमें कहीं ना कहीं उनकी सेवा में नियुक्त कर सकती है। और उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि श्री वल्लभेति वर देती, तो बोले वर देने वाले हैं। क्या वर देते हैं वो, कैसा वर देते हैं उसको हम समझते हैं। बोले सारे वर वही देते हैं, अगर कोई देवताओं से भी कुछ लेता है तो वो इनडायरेक्टली भगवान के पास से ही आ रहा है, और सीधे भगवान भी सबको वर देते हैं। लेकिन बोले उनका सबसे बड़ा वर क्या है ये समझना है। छोटी छोटी चीजें मांग ली हमने भगवान से तो क्या किया, भगवान का सबसे बड़ा जो वर है कि वो हमको इस संसार से बाहर निकाल सकते हैं, वो अपना जो भगवान का प्रेम है वो हमें दे सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वर का अगर अधिकारी बनना है, प्रभुपाद समझाते हैं कि इस वर का अधिकारी बनने के लिए हमको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान से कोई ना कोई संबंध हमें स्थापित करना पड़ेगा, और जिस जिस मात्रा में वो संबंध बनता जाएगा उस मात्रा में वो स्पिरिचुअल ब्लिस आपको अनुभव होता जाएगा। तो अगर हमें लगे कि भगवान क्यों मेरे साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, तो हमें याद रखना चाहिए कि उनकी तरफ से कोई भी कमी नहीं है। कमी किसकी तरफ से है, हमारी तरफ से। और प्रभुपाद बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि अच्छा ये वर जब आएगा तो बोले जैसे कोई इंस्टॉलमेंट में चीजें आती हैं, किश्तों में आता है पैसा अकाउंट में, बोले ये वर भी किश्तों में आता है। और प्रभुपाद शब्द यूज करते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है इस ब्लिस का, बोले पहला इंस्टॉलमेंट ये है कि अब हमारे हृदय में जो इतने समय से कलमश विद्यमान है वो धीरे धीरे मिलियंस ऑफ इयर्स के जो कलमश है वो साफ होने लगते हैं। ये वर्क का पहला इंस्टॉलमेंट है। तो पहला इंस्टॉलमेंट कैसे डाउनलोड होता है, तो पहला इंस्टॉलमेंट डाउनलोड होता है जब ये चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम होता है। और जैसे जैसे बोले ये भौतिकता की धूल हटती जाती है, ऐसे ऐसे हम हृदय में भगवान का दर्शन करने लगते हैं। और जैसे जैसे हम भगवान का दर्शन करने लगते हैं ये वर्क जो है एक स्टेप आगे बढ़ता है। और अगली चीज क्या होती है, बोले हमारे सारे जो एस्पिरेशन थे भौतिकतावादी और हमारे सारे जो फ्रस्ट्रेशन थे भौतिकतावादी, वो दोनों कट कर देते हैं भगवान। और बोले ये जो एस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन को कट करना है, यही एक्चुअली टाइम है जब हमारा भगवान के साथ में रिलेशन सच में प्रगाढ़ होता है, क्योंकि अब हमारा कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं बचा है। और जब मटेरियल डिजायर नहीं बचता है तो स्पिरिचुअल ब्लिस बढ़ता है। और ये स्पिरिचुअल ब्लिस अपने साथ क्या क्या लेके आता है, अल्टीमेटली फाइनल इंस्टॉलमेंट के रूप में पूरा ज्ञान आ जाता है हमारे पास, हमारा जीवन जो है वो सुखमय हो जाता है और संतुष्टि आ जाती है हमारे जीवन में। तो हमको कैसे चेक करना चाहिए, हमको चेक करना चाहिए कि हमारा भगवान से कितना संबंध बना। प्रभुपाद समझाते हैं तीन स्टेप। पहला स्टेप, कितने कलमश हमारे भौतिकतावादी दूर हुए। दूसरा, हमारे कितने एस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशंस जो है वो खत्म हुए। और तीसरा, हमारी भक्ति में कितना सेटिस्फेक्शन आया। ये तीनों स्तर है। तीसरा स्तर है जब भक्ति का स्तर आ गया, सेटिस्फेक्शन संतुष्टि आ गई, मतलब सच में भगवान का वर जो है हमें मिल गया। अब एक और आचार्य हैं, वो इस वर देहाती पे एक और टीका करते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा है इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो बोले एक अर्थ और है, बोले ये वर देते भी हैं लेकिन बोले ये वर ले भी लेते हैं। बोले जो बात को मानता नहीं है इनकी, जो इनके आधार पे नहीं जीता है, उसको प्रारब्ध के कारण कुछ मिला भी होता है तो वो वर जो है उसका वापस भी ले लेते हैं। तो भगवान न केवल वर देते हैं, भगवान वर वापस ले भी लेते हैं। लेकिन भगवान का इनहेरेंट जो क्वालिटी है वो क्या है, चाहे वो वर दे रहे हो चाहे वो वर वापस ले रहे हो, दोनों में उनका एक ही क्वालिटी काम करता है, और वो है उनकी दया की भावना। इसलिए
कुलशेखर महाराज अगला याद करते हैं, दया परेति, बोले भगवान ने सबको दया दिखाई, भगवान सबके लिए दया देते हैं, सबके लिए दया के रूप में, कृपा के रूप में सोचते हैं। और हम याद कर सकते हैं भागवत अगर हम पढ़ें और हमारे ग्रंथों को पढ़ें तो गजेंद्र को कितनी दया दिखाई भगवान ने, विभीषण को कितनी अच्छी दया दिखाई, द्रौपदी और गोपियों पे भगवान ने कितनी कृपा की। तो भगवान की दया तो अथाह सागर जैसी है, अथाह सागर जैसी है। हमारे अंदर कमी है कि हम वापस भगवान के धाम नहीं जाना चाहते, तो भगवान की दया में कमी नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि जब जब हमारे अंदर ईगरनेस आती जाएगी वापस जाने की, वैसे वैसे भगवान की दया भी हमें समझ में आने लगेगी। अभी हम कैसे हैं, हम रिबेलियस सोल हैं, हम भगवान के खिलाफ आंदोलन करके यहाँ पे आए हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे हम अपनी अभी की इच्छाओं के लिए भी भगवान की तरफ जुड़ते जाएंगे तो वैसे वैसे हमारी और भगवान की जो संबंध है उसकी जब उन्नति होगी, तब एक समय आएगा कि हम ये रियलाइज करेंगे कि देखो मुझे आज भी जीवन के लिए जो आवश्यक है वो कहाँ से मिल रहा है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो खाना हो, वो सब हमें कहाँ से मिल रहा है, चाहे वो एनर्जी हो, भगवान से मिल रहा है। हमने क्या किया है, हमने, प्रभुपाद बड़ी अच्छी लाइन लिखते हैं कि वी सिंपली मिस मैनेज दिस पैटर्नल प्रॉपर्टी, बोले हमको एक बहुत पैतृक जो है वो संपत्ति मिली थी, और जैसा होता है कि एकदम से धन बिना मेहनत के मिलता है तो आदमी उसको मिस यूज करता है, बोले यही हमने भी किया है। और ऊपर से हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने और हमें मटेरियलिस्टिक प्लान दिखाए कि ये करो ये करो, तो इस तरह हमारी रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो गई। और चाहे लीडर्स हो, चाहे हमारा जीवन जीने का तरीका हो, मैक्सिमम लोगों का, हमने कोई प्लान ही नहीं बनाया कि हम भगवान से हमारी जो टूटी हुई रिलेशनशिप है उसको फिर से जोड़ने के लिए कोई प्रयास करेंगे क्या, और वो प्रयास क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और क्योंकि वो प्रयास हम नहीं करते इसलिए भगवान को मजबूरी में हमें अगला जन्म यहाँ पे फिर से देना पड़ता है। जिस दिन हम यहाँ से लौटने के लिए ईगर हो जाएंगे वैसे वैसे भगवान भी हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे और स्पेशल फेवर हमें देंगे। क्यों देंगे इसको भी अब हम समझते हैं। अगला वर्ड भक्त प्रिय थी, क्योंकि भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं, लेकिन हम भक्त नहीं बने हैं, ये हमारी गलती है, भगवान की गलती नहीं है। भगवान तो भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, हमने सबने 12वें अध्याय में भगवद गीता में पढ़ा है कि ये तू शर्वाणी कर्माणी मई संन्यास मत परा। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये तू शर्वाणी कर्माणी, जो सारे कर्म करते हुए मेरे भाव में रहता है उसका क्या होता है, अहम समुद्र हर्था मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्था मई आविष्ट चेतसाम। तो भगवान तो इतने दयालु हैं कि वो इस मृत्यु संसार सागर से हमको निकालने के लिए तैयार है, लेकिन हम उनके साथ उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करते। तो भगवान को कौन प्रिय है, या भगवान के प्रिय भक्त बनने के लिए हमें कुछ क्वालिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी, वो क्वालिटी क्या है। तो भगवान ने 12वें अध्याय में भगवद गीता में बहुत विस्तार से बताया कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुणैव च निर्ममो निरहंकारा सम दुःख सुख क्षमा शांतु सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मैं अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समे प्रिया। तो मैं अर्पित मनोबुद्धि, भगवान के प्रिय बनने के लिए मन और बुद्धि दो चीजें हमारे पास हैं जिसको हम मिस यूज करते हैं, उनको क्या करना है, मई अर्पित मनोबुद्धि मुझे अर्पित कर दो, भगवान को वो अर्पित कर दो। और क्या करो, समा शत्रु च मित्र च तथा मान अपमान यो शीतोष्ण सुख दुखेशु समा संग विवर्जितो तुल्य निंदा स्तुति मोनि संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्ति माम समे प्रिय। तो ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है जो संतुष्ट है, जैसा प्रभुपाद ने भी परपट में बताया। और जब ऐसा हो जाएगा तो भगवान बहुत विशेष एक उपमा देते हैं कुलशेखर महाराज, उनको क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भव लुंठन को विदेती, भव लुंठन को विदेती। ये जो भव सागर है, भव सागर में जिसमें हम रह रहे हैं, भव लुंठन को विदेती, को विदेती मतलब एक्सपर्ट है। किस चीज में एक्सपर्ट,
बोले लुंठन करने में, भाव का मतलब हरने में। तो भगवान तो एक्सपर्ट है, ऐसे हर लेते हैं, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिय भक्त भगवान का बनना पड़ेगा। भगवान जैसे बोलते हैं कि परस्तस्मा तु भावन्यो व्यक्तो अव्यक्त सनातन यस सर्वेशु भूतेषु नाशस्तेषु न विनश्यति। अब हमको पता है ये कि अव्यक्त व्यक्त ये पूरा जो भव सागर है इसमें हम फंसे हुए हैं, हमें क्या करना पड़ेगा यहां से निकलने के लिए, भगवान के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हम कहाँ फंसे, माया में फंसे। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि देवी एशी गुणमयी मम माया दुरत्या, ममेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। तो गुणमयी है उनकी माया, फंसे हुए हैं हम यहाँ पे, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी न किसी तरीके से भगवान की भक्ति में लगना पड़ेगा। क्योंकि भगवान जो माया के अंदर है उनको कभी भी नहीं दिखेंगे। भगवान कह चुके कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो यम न मैं जानी तो लोको मम अजम अव्ययम। तो भगवान को मूढ़ लोग नहीं जान सकते, जो भक्ति नहीं करते वो नहीं जान सकते। भगवान को जानने का तरीका भक्ति है, जो इस तरह से भक्ति करेंगे, येषां तव अनुगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां त्वा द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। तो जो दृढ़वत होके इस प्रकार से भगवान की भक्ति करेंगे उनके लिए भगवान क्या करेंगे, भव लुंठन को विदेति। तो ऐसे बहुत सारे लोग नहीं होंगे, बहुत कम लोग होंगे। इसीलिए भगवान ने कहा कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होगा। और जो ऐसा महात्मा होगा वो क्या रियलाइज कर लेगा कि भगवान मेरे नाथ हैं। तो हमें क्या रियलाइज करना है कि भगवान मेरे नाथ हैं। इसलिए अगला जो बात कहते हैं कुलशेखर महाराज वो है कि आप मेरे नाथ हो। तो नाथ कैसे हैं, जैसे जगन्नाथ हैं, जैसे द्वारका नाथ हैं, जैसे बद्रीनाथ हैं, जैसे रामनाथ हैं। तो भगवान तो सब जगह नाथ के रूप में चारों कोनों में भारत वर्ष के विराजमान है। आपको बस रियलाइज करना है कि इनमें से कौन आपके इष्ट नाथ है और वैसे बन जाओ। अब बात उन्होंने चालू की थी मुकुंद से कुलशेखर महाराज ने, और फिर वो क्या कहते हैं कि नाग शयन, बोले आप जो अनंत शेष पे शयन करते हो। बोले ये क्यों, बोले मुकुंद से बात की थी और फिर अनंत शेष पे क्यों आ गए। बोले क्योंकि कुलशेखर महाराज के जो इष्ट भगवान हैं वो तो रंगनाथ हैं, और रंगनाथ जी किस मुद्रा में हैं, आदि शेष पे अनंत शेष पे विराजमान हैं, लेटे हुए हैं। तो उसी मुद्रा को वो अपने ध्यान में लाते हैं और वो कहते हैं कि रंगनाथ जी जो हैं वो नाग शयन है। रंगनाथ जी से जो श्री संप्रदाय के सब वैष्णव आचार्य उनका बहुत लगाव है। एक और वैष्णव आचार्य हुए हैं जिनका नाम है पाराशर भट्ट, उनका इतना लगाव था रंगनाथ जी की ड्यूटी से, और कभी मैं विस्तार से उनकी कथा सुनाऊंगा, बहुत सुंदर है, कि उन्होंने एक श्लोक लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि ये भगवान के मैं दर्शन करता हूँ रोज, ये रंगनाथ जी। अब मान लो मैं एक दिन चला जाता हूँ परफेक्ट होके भगवान के धाम में, तो बोले वहां जाके देखूंगा मैं, अगर वो रंगनाथ के रूप में दिखेंगे तो बोले तो मैं वहां रुकूंगा, नहीं तो मैं फिर नीचे ही आ जाऊंगा। बोले मुझे तो ये रंगनाथ जी प्रिय हैं, मुझे और कोई भाव में भगवान को नहीं देखना है। तो वहां मैं परफेक्ट होके चला भी गया सेवा में, और वहां कोई और रूप में दिखाई दिए भगवान, तो बोले मैं 1 सेकंड वहां नहीं रुकूंगा, मैं बोलूंगा मेरे को नीचे छोड़ दो, मैं तो वही रंगनाथ जी के यहाँ ही रहूंगा चाहे इस भौतिक जीवन में रहूं। तो ये पाराशर भट्ट है, और ये कुलशेखर महाराज है। वो कहते हैं कि मुकुंद है लेकिन मेरे तो कौन है, वो तो बोले अनंत शेष पे जो लेटे हुए जगत निवास है, जगत पूरा उनके अंदर निवास करता है, ऐसे जगत निवास है। जैसे भगवान ने अर्जुन को अपना रूप दिखाया था जगत निवास, जो भगवान ने अपना यूनिवर्सल विराट रूप दिखाया था पूरा जगत उनके अंदर था। बोले ऐसे भगवान है हमारे जगत निवास। तो इनका क्या करना है हमको, बोले आलापिनम प्रतिदिनम कुरु में, मतलब कि रोज बस मेरा इतना कर दो कि मैं रोज आपके बारे में रिसाइट करता रहूं, रोज मैं आपका आलाप करता रहूं, बस ये मुझे चाहिए। तो यहां वो कुछ भी नहीं मांग रहे, वो कुछ और कह ही नहीं रहे, वो क्या कह रहे हैं कि बस मैं आपका इसी प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर रूप से आपका गुणगान करता रहूं। तो जैसे प्रभुपाद इतनी वृद्धावस्था में भी
और जब वो अपना शरीर त्यागने वाले हैं उस दिन तक भगवान का आलाप करते रहे। हमारा भी यही एस्पिरेशन रहना चाहिए कि वो मुकुंद, वो भगवान, उनका हम इसी प्रकार से स्मरण करते रहें, याद करते रहें, और वो मुकुंद जो मुक्ति प्रदाता है, वो मुकुंद जिनकी इतनी सुंदर स्माइल है, वो हमें ये एक्चुअली कृपा दें, मर्सी दें कि हम ये जो हमने एक बीड़ा उठाया है मुकुंद माला स्त्रोत को पढ़ने का, इसको हम कंटिन्यू रख पाए। तो श्री वल्लभेति वर देती दया परेति, भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति, नाथे थी नाग शयने थी जगत निवासे थी, आलापिनम प्रतिदिनम कुरु मे मुकुंदा। तो श्री वल्लभेति वर देती दया परेति, भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति, नाथे थी नाग शयने थी जगत निवासे थी, आलापिनम प्रतिदिनम कुरु मे मुकुंदा। ओ मुकुंद माय लॉर्ड, प्लीज लेट मी बिकम ए कॉन्स्टेंट रिसाइटर ऑफ योर नेम्स, एड्रेसिंग यू एस श्री वल्लभ हु इज वेरी डियर टू लक्ष्मी, वरदा द बेस्ट ओवर ऑफ बेनिडिक्शन, दया परा ही हु इज कॉजलेसली मर्सीफुल, भक्त प्रिया ही हु इज वेरी डियर टू हिज डिवोटीज, भव लुंठन को विद ही हु इज एक्सपर्ट एट प्लंडरिंग द स्टेटस को ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, नाथ द सुप्रीम लॉर्ड, जगन निवास द रिसोर्ट ऑफ द कॉस्मोस, एंड नाग शयन द लॉर्ड हु लाइज डाउन ऑन द सर्पेंट बेड। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।